So now we have studied about the oral cavity. Now what we are going to study is about the next structure, that is the esophagus. जैसे ही खाना हमारे मुंह से निकले गले में जाता है, गले से जो एंटर करता है एक फूड पाइप में, एंड दैट इज नोन एज अवर इसोफेगस, दैट इज द फूड पाइप. सो व्हाट दिस फूड पाइप इज, बेसिकली ये एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि पूरा का पूरा ओरल कैविटी को हमारे स्टमक से जोड़ता है. सो दिस इज नथिंग बट योर फूड पाइप. स्टार्ट्स फ्रॉम हियर and ends up to stomach. Okay, so this is your esophagus. काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है. जैसे हम लोग इसे हिस्टोलॉजी करवाएंगे, जब मैं इसकी इसके टिश्यूज के बारे में पढ़ाऊंगा, तब आपको मालूम पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट. काफी हार्ड स्ट्रक्चर है, इट कैन नॉट बी कोलैप्स्ड. ये नॉर्मल पाइप नहीं है. नॉर्मल पाइप के अंदर क्या होता है कि अगर आप प्रेशर को सक करें, प्रेशर को खींच लें, तो पाइप कैसी हो जाती है, एकदम श्रृंखलन हो जाती है ना. इसोफेगस कैन नेवर बी, बिकॉज इसोफेगस के अंदर बहुत हार्ड सब्सटेंसेस है, कोलेजन की बनी होती है. इट इज फाउंड ऑफ कोलेजन. कोलेजन क्या होता है, बेसिकली इट इज सेमी बोन लगा सकते हैं. ये भी इसलिए कनेक्टिव टिश्यू ही है, बट इट इज ऑफ काफी हद तक स्केलेटन में काम आता है, बट इट इज लेस हार्डर देन बोन. बोन बहुत हार्ड होती है, कोलेजन थोड़ा लेस हार्ड होता है, बट स्टिल कोलेजन इज हार्ड इनफ कि इसको ये जिस तरीके से पकड़े रखता है. दिस इज द कोलेजन से बनी होती है और पूरे इसमें जो है क्रॉस करती है. वन मोर थिंग, लेट्स स्टडी अबाउट इसोफेगस. स्टार्ट करने से पहले, इसोफेगस बताने समझ आगे समझने से पहले, लेट्स वी हैव वन टर्म, पेरिस्टाल्सिस. What is this term peristalsis means? Now, peristalsis is a very important topic and is very easy to understand and very important also. So, what is this peristalsis? देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है मसल्स का बना हुआ है, स्मूथ मसल्स, अनवॉलेंट्री मसल्स. वी हैव टू टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल एंड नॉन स्केलेटल. स्केलेटल वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं. अनस्केलेटल वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री है, वो अपना काम खुद कर रहे हैं. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है इनवॉलेंट्री मसल्स के बने हैं. हमें अपने जो है हमारे स्टमक को कहना नहीं पड़ता कि भाई तू फूड को प्रेस कर, नहीं, वो अपने आप करेगा, उसको पता है क्या करना है. तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ स्केलेटल, नॉन स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स. तो स्मूथ मसल्स के होने से क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो इन स्मूथ मसल्स के होने से हो पाते हैं. नहीं तो जिस तरीके से स्केलेटल मसल्स में क्या है कि मुझे एक सिग्नल देना पड़ता है मेरे ब्रेन को कि किस तरीके से इस पेन को पुल करो, बट मुझे स्टमक को कोई सिग्नल नहीं देना पड़ता, स्टमक अपना सारा काम खुद कर रहा है. मुझे अपने ब्लैडर को कोई सिग्नल नहीं, ब्लैडर को कोई सिग्नल नहीं देना पड़ रहा, वो अपना सारा काम खुद कर रहा है. Just because के वो स्मूथ मसल्स के बने हैं. सो पेरिस्टाइलिस क्या होता है, पेरिस्टाइलिस जो है एक रिदमिक मूवमेंट है ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. इट्स अ रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी मसल्स होते हैं उनकी रिदमिक मूवमेंट है. होता क्या है, जैसे ये आपका इसोफेगस है, इसोफेगस के अंदर मसल्स होंगे. सो अगर एक मसल जो है एक टाइम पे रिलैक्स कर रहे हैं, इफ दे आर रिलैक्सिंग, तो दूसरे टाइम पर ये वाले मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. These will be contracting. Okay. Similarly, इसके ऊपर वाले जो मसल्स हैं वो भी क्या कर रहे होंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे. These will also be contracting. So we have contracting, then relaxing, then contracting, then relaxing. But this means
ये पूरी जो जो पेरिस्टाइल्सिस है ये पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में चलती रहती है, चाहे वो आपका इंटेस्टाइन है, चाहे वो आपका एनस है, चाहे वो आपका स्टमक है, चाहे वो आपका इसोफेगस है. What is happening is ये पूरा का पूरा जो पूरा इंटेस्टाइन है कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है. इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या हो रहा है, जो भी फूड आया इसमें, जो भी फूड बोलस आया वो नीचे पुश हो जाता है. जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने जो यहाँ पे फूड है उसको पुश किया, नीचे वाले ने रिसीव किया, फिर इसने पुश किया और नीचे चला गया, फिर पुश किया और नीचे चला गया. सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ हैपनिंग. जो भी फूड बोलस है, जो भी फूड है वो जो है इसके थ्रू अंदर चला जाता है, पूरे बॉडी में चला जाता है. सो दिस पेरिस्टाइलिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी. और इसी कारण से जो एंट्री, जो फूड एंट्री कर रहा है उसकी मूवमेंट पॉसिबल है, नहीं तो फूड जो आपने खाया वो वहीं पड़ा रह जाए. पेरिस्टाइलिसिस ही है जो उसको नीचे माउथ से लेके स्टमक से निकाल के इंटेस्टाइन से निकाल के फाइनली एनस तक पहुंचा रहा है, पूरा पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम घुमा रहा है बिकॉज ऑफ दिस पेरिस्टाइलिसिस ओनली. किस तरीके से फटाफट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो तीसरा रिलैक्स कर रहा है. सो दिस इज हैपनिंग. इससे क्या होता है, फूड पुश होता रहता है. So this pushing of food by this continuous contraction and relaxation of smooth muscles of alimentary canal is known as peristalsis. और ये peristalsis throughout your life चलता है, जैसे ही आप पैदा होते हो जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, peristalsis चलता ही रहता है. जिस टाइम पे peristalsis रुक जाए that means it's a very serious condition. So this is peristalsis. This was all about peristalsis and esophagus. Then coming about your next organ, that is your stomach. Then we have your topic, stomach. देखिए stomach क्या है, stomach कहते हैं ना, तो stomach जो है ना हमेशा elementary canal में कुछ भी खराब हो, चाहे वो intestine में हो चाहे वो esophagus में हो, हम लोग यही चीज कहते हैं पेट खराब हो गया. पेट क्यों खराब हो गया भाई, उसके साथ और भी तो कितने सारे ऑर्गन्स हैं, पेट का तो कोई काम ही नहीं है, बट स्टिल हम लोग कहते हैं पेट खराब हो गया बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. देखो इसमें क्या हो रहा है, पेट का काम क्या है, स्टमक का काम क्या है, स्टमक क्या करता है, फूड को स्टोर करता है. जैसे ही हमने खाना खाया वो इंटेस्टाइन्स में जाने से पहले फूड को थोड़ी देर स्टोर करता है और वो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स से उसको रिएक्ट करवाता है, चर्निंग करता है बेसिकली. व्हाट इट डज इज इसको पकड़ के जिससे कि काफी हद तक फूड डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक के अंदर ही और जो बचा कुचा काम ही इंटेस्टाइन को मिलता है. सो दिस स्टमक व्हाट इट डज इज इट स्टोर्स द फूड एंड इट मिक्सेस इट विद डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स. एंड व्हाट आर दीज एंजाइम्स, एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोकैटलिस्ट्स जो कि केमिकल रिएक्शन जो भी किसी काम को तोड़ सकती हैं, इनको हम लोग बायोलॉजिकल सीजर्स भी कहते हैं. एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगी, पॉलीसेकेराइड्स को सैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देंगी. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स. सो व्हाट आर दीज एंजाइम्स बेसिकली, तो स्टमक जो है एंजाइम्स को सिक्रीट करता है और आने वाले फूड को डाइजेस्ट करवाता है. सो व्हाट इज स्टमक, स्टमक इज अ जी शेप्ड ऑर्गन. कोई पूछे क्या है, इट्स अ जे शेप्ड ऑर्गन. ईसोफेगस आपका ईसोफेगस से कंटिन्यूएशन में ही आता है आपका स्टमक एंड एंड्स इन स्टार्च ईसोफेगस एंड एंड्स इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन. यहां से शुरुआत दी अभी स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को स्टोर करता है और साथ ही साथ जो है क्या करता है आपके फूड को पास ऑन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो स्टमक को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला पार्ट है आपका, जिस तरीके से देखिए खाली पार्ट है और ये किसकी तरफ है, ये कार्डियक की तरफ है, इट्स टुवर्ड्स द हार्ट. सो इट इज नोन एज द कार्डियक पार्ट. ओके
एंड जो जिस जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ है उसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक पार्ट एंड दिस ब्लैंक स्पेस इज नोन एज फंडस. सो वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ, हम लोग स्टमक को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडस. फंडस द मिडिल पार्ट जो खाली रहता है, कार्डियक जो कि हार्ट की तरफ है और पाइलोरिक जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ है. तो जिसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक. सो जो आपका कार्डियक पार्ट है, कार्डियक पार्ट में ही इसोफेगस की ओपनिंग रिसीव होती है एंड दिस ओपनिंग इज मेंटेन्ड बाय अनदर सेट ऑफ स्मूथ मसल्स दैट आर नोन एज स्पिंस्टर्स. वी हैव स्पिंस्टर्स ओवर हियर. व्हाट आर दी स्पिंस्टर्स? बेसिकली देखिए, जो स्पिंस्टर्स होते हैं ये और कुछ नहीं, ये मसल्स होते हैं जो कि दरबारी की तरह काम करते हैं. ये किसी भी ऑर्गन की एंट्री और एग्जिट मेंटेन करते हैं. लाइक स्पिंस्टर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उस ऑर्गन में कोई भी चीज एंटर नहीं कर सकती, रिलैक्स होंगे तभी वो एंटर कर सकते हैं. ये हर ऑर्गन की ओपनिंग को गार्ड करते हैं. हमारे स्टमक के पास दो स्पिंस्टर्स रहते हैं, वन इज द कार्डियक स्पिंस्टर, कार्डियक स्पिंस्टर. What this cardiac sphincter does? This cardiac sphincter is basically, what it does is, this cardiac sphincter जो है, ये guard करता है, it guards the opening, या फिर it guards the entry of food from esophagus to stomach. तो esophagus से stomach के अंदर जो जा रहा है उसको ये cardiac sphincter guide कर जो है guard कर रहा है. So what happens is cardiac sphincter के through ये अंदर आते हैं और यहाँ पर fundus में स्टोर होता है. लेटर ऑन यहां पर पाइलोरिक पार्ट में रहता है आपका पाइलोरिक स्पिंस्टर. वही काम जो कार्डियक स्पिंस्टर का, कार्डियक स्पिंस्टर का ईसोफेगस और स्टमक के बीच में था, वही काम पाइलोरिक का स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होगा. सो व्हाट दिस पाइलोरिक स्पिंस्टर डज इज इट गार्ड्स the entry of food from stomach to small intestine. Okay, it guards the entry of food from stomach to small intestine. This is known as the pyloric sphincter. So this was about your stomach. इसके साथ साथ स्टमक में क्या होता है, स्टमक की इंटरनल लाइनिंग में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स सिक्रीट करती हैं. वी विल गेट टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर स्पेसिफिक लेक्चर देंगे, कौन सी ग्लैंड्स माउथ में प्रेजेंट होती है, कौन सी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है. एक जितने भी ग्लैंड्स इन्वॉल्वड हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में उन सबका एक अलग से लेक्चर होगा. बट बिफोर दैट आप इतना याद कर लीजिए कि जो इसकी लाइनिंग है, स्टमक की लाइनिंग है, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आगे चल के हमें बहुत काम आने वाली हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टमक. नेक्स्ट ऑर्गन विच वी आर गोना टेक इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन. वेरी इंपॉर्टेंट and very long also. अगर देखा जाए तो this is the longest part of the body. कैसे रहता है फिर भी इसको बोला जाता है small intestine. Why? कई बार मैं जब 9th-10th में था तब मुझे बड़ी हैरानी होती थी, ये small intestine को small क्यों कहते हैं, इतनी बड़ी तो होती है, बल्कि large intestine जो छोटी सी है उसको आप large कह देते हो. So what is happening is small intestine जो है थोड़ी पतली रहती है. That is why it is known as small intestine. That was a very fascinating question for me that time, but अब नहीं रहता उतना fascinating. So what is this small intestine?
So let's start with our next topic, that is the small intestine. Basically, small intestine is काफी large. It's the largest part of our alimentary canal, but it is still said small only. Why? Because it has the thinnest diameter. So what is this small intestine? जैसे आपका stomach था, this was your stomach. So it is continuing into the small intestine, जो कि highly coiled है. जो कि हाईली कॉइल्ड है और एंड करती है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में. दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन. विल कम टू इट लेटर ऑन, बट लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द अल्टीमेट, इट इज द अल्टीमेट डाइजेस्टिव ऑर्गन. जो भी चीज माउथ में या फिर स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होती, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगी ही होगी. लार्ज इंटेस्टाइन से आगे आने वाले लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में कुछ खास डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होती. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इज एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली द इनटेक ऑफ फूड इनटू द ब्लड. ठीक है, हमने खाना खाया, अब वो ब्लड स्ट्रीम में कैसे गया? दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. सो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स, आपका ग्लूकोज हो गया या फिर आपने जो भी खाया, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन small intestine only. जो भी आपका nutrient है वो small intestine में ही absorb होगा. And small intestine is the ultimate place for डाइजेशन के लिए ये आखिरी पॉइंट है. ठीक है, डाइजेशन के लिए ये जो है, ये लास्ट होता है डाइजेशन का. इसके बाद डाइजेशन पॉसिबल नहीं है. जितनी भी एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं. जो भी आप न्यूट्रिएंट खाते हैं, चाहे वो आप डीएनए ही क्यों ना खा लें अपना, तो उसको भी बचाने के लिए यहाँ पे एंजाइम रहेगी. न्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगी. तो जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में तोड़ा जा सकता है. ऐसा नहीं है कि स्टमक या माउथ में कोई डाइजेशन नहीं हो रही, बट इट इज गोइंग ऑन एट अ स्मॉल प्लेस. वहां से जो कुछ भी बचता है वो सब कुछ यहीं पे एब्जॉर्ब और जो है डाइजेस्ट होता है. दिस इज द अल्टीमेट साइट फॉर डाइजेशन. एंड बाय दिस हम लोग ये भी बता सकते हैं कि इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. आप देख रहे हैं, एक पार्ट तो बहुत कॉइल्ड है, एक पार्ट जो है स्टमक के साथ लगा हुआ है, और एक पार्ट जो कॉइल्ड और स्टमक के बीच में है. ठीक है, सो जो पार्ट स्टमक के साथ होता है उसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम. ओके, देन वी हैव द जुजेनम, एंड द लास्ट वी हैव द इलियम. आप इसे देख रहे हैं, मैंने ई को जो है अंडरलाइन किया है. व्हाई? यू विल गेट इट नो इट. देखिए, एक इलियम होता है और एक आइलियम होता है. Ilium is this. Never confuse it. एक E या I के difference से पूरे जो है function का, पूरे के पूरे organ का sense ही change हो सकता है. इसीलिए biology में spellings बहुत जरूरी रहती हैं. So we have duodenum, jejunum and ileum. This is ileum. I-L-E-U-M. So duodenum वो part है जो कि stomach के साथ attached रहता है. So small intestine के 3 parts हैं. Duodenum. Duodenum is your, is the that part जो कि stomach के साथ attached है. Part that is attached to stomach. Okay. Then we have jejunum. Jejunum में क्या होता है? The part, ये वो वाला part है which receives secretions from pancreas and liver. Pancreas और liver क्या है? दो digestive glands हैं जो कि साइड बाय साइड प्रेजेंट रहती हैं. वी विल गेट टू, वी विल गो टू इट वेरी सून.
So we have duodenum, then we have jejunum. And the last and the longest part we have the ileum. Ileum mein kya hota hai? Ileum hi basically wo part hai jahan pe sare ke sare enzymes present rehti hain. Aur ileum hi wo part hai jahan par maximum absorption hoti hai. So then we have the ileum. Ileum kya hota hai? Basically this ileum, in this ileum there is four digestion and absorption taking place. Okay, so this is the ileum. Ab ileum ke thoda sa detail mein le lete hain. This what ileum does is ileum is highly folded. This is highly folded. देखिए किस तरीके से folded है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक. और तो मैंने बहुत छोटा सा schematic बनाया है. असल में there are thousands of folds in it. This is highly folded and its folds are known as mesenteries. जो ileum के folds हैं इनको हम लोग mesenteries कहते हैं. जो बीच में layers होती हैं इनको हम लोग mesenteries कहते हैं. और जो mesentery क्या होता है, these are the fat storing organs of body. जो intestine के साथ ये mesenteries चिपकी रहती हैं, ये जो folds हैं चिपके रहते हैं, और यहाँ पर fat store होता है. इसके अंदर बहुत सारा fat जमा रहता है. इसीलिए हमारा जब भी हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं या फिर जो fat store होता है, वो यहीं पे होता है. इसलिए हम लोग मोटे कहे जाते हैं. Because जो हमारा fat store होना है वो mesenteries में होना है. और mesenteries कहाँ हैं? Mesenteries जो है वो intestine में है, इस इलाके में जो कि आप जिसको आप लोग पेट कहते हैं. So this is basically the mesenteries. Okay? So mesenteries में क्या रहता है? Mesenteries में fat store होता है. Also in this आपका ये जो ileum है, इसी के अंदर होते हैं Peyer's patches. What are these Peyer patches all about? Let me tell you what are these Peyer patches. देखिए, ये Peyer patches क्या होते हैं? Peyer patches भी tonsils की तरह ही एक lymphoid tissue है. These are the lymphoid tissues. Okay? These are nothing but your lymphoid tissues. ये भी lymph बनाते हैं, जिस तरीके से tonsils थे, वैसे ही ये भी होते हैं और ये lymphoid tissues बनाते हैं. That is lymph बनाते हैं. Okay? So we have ileum जो कि folded है, उनके folds को mesenteries कहते हैं. और we have Peyer's patches also. अब आते हैं ileum की internal lining पे. Internal lining of ileum. ileum में क्या होता है? इसकी internal lining बहुत interesting है. Very first thing, इसकी internal epithelium जो है, internal lining जो है, वो ही जो है intestinal glands बनाती है. And intestinal glands are nothing but the digestive glands which form digestive enzymes. जो आपकी ileum की internal lining है, जो आपकी ileum की internal lining है, forms intestinal glands. इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बनाती है, जिसका नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रनर्स ग्लैंड्स. ब्रनर्स ग्लैंड्स, ओके, दीज आर नोन एज द ब्रनर्स ग्लैंड्स. और ये क्या बनाते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करते हैं. इंटेस्टाइनल जूसेस का मतलब दे सिक्रीट सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि इसके कलेक्शंस को बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस. और दे हैव finger-like projections known as microvilli. देखिए, जो ileum की internal lining होती है, basically उसका काम होता है absorption of food. So absorption के लिए we need a larger surface area. And for this larger surface area, what we do is we fold this internal lining.
जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाए. व्हाट इट डज इज इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. दैट इज वाई ये विलाय वहां पर रहते हैं. जितने ज्यादा विलाय होंगे उतनी ही फास्ट एब्जॉर्प्शन रहेगी. सेकेंडली व्हाट वी हैव इन विलाय इज दैट इट हैव अ पेयर ऑफ ब्लड वेसल्स. इसके अंदर एक पेयर रहता है ब्लड वेसल्स का. हर विलाय में, अगर ये एक विलाय है तो इसके अंदर एक पेयर रहेगा एक ब्लड वेसल का, और साथ ही साथ एक रहेगी आपकी लैक्टीज. दैट इज द लिम्फ वेसल. वन इज द ब्लड वेसल एंड अदर इज द लिम्फ वेसल. ये दोनों हर विलाय में ये दो चीजें रहेंगी, एक ब्लड वेसल और एक लिम्फ वेसल. ब्लड वेसल जो कि ब्लड कैरी करती है और लिम्फ वेसल जो कि लिम्फ कैरी करती है. सो व्हाट वी हैव, ब्लड वेसल जो है इट एब्जॉर्ब्स वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स. व्हाट इट डज इज इट एब्जॉर्ब्स द वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स. जैसे मैंने आपको बताया था वर्ल्ड में दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं. वन इज द वाटर सोल्यूबल जो कि पानी में डिजोल्व हो सके, और दूसरे होते हैं लिपिड सोल्यूबल. तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे वाटर सोल्यूबल है वो ब्लड वेसल में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं, एंड जो कि लिपिड सोल्यूबल है वो जाते हैं लिम्फ वेसल में. इट एब्जॉर्ब्स द लिपिड सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स. ओके, it absorbs the lipid soluble nutrients and blood vessels absorb the water soluble nutrients. So what we have here that jo bhi aapka water soluble hoga wo blood vessel mein jayega aur jo bhi aapka lipid soluble hoga wo lymph vessel mein jayega. Is this clear? Aage badhte hain, ek cheez aur main aapko bata dun that these villi also have digestive glands and that digestive gland as discussed are known as Brunner's gland only. So these villi forms an essential part of our body of the absorption, and by this we complete the small intestine. So coming to the last topic of these lectures, we have the last one is the large intestine, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कोलोन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कोलोन, बिकॉज दिस कोलोन जो है यही कोलोन आगे चल के कई ऑर्गेनिजम्स को नाम देने वाला है. द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, दिस द कोलोन. देखिए क्या होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन में. बेसिकली दिस लार्ज इंटेस्टाइन इज नथिंग बट जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन का जितना भी अनडाइजेस्टेड मैटर होता है. मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन वाज द अल्टीमेट साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो व्हाट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. इज लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कंटिन्यूस होके जो है इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं. काफी इसका लार्ज डायमीटर रहता है एंड इट एंड्स अप टू एनस. ओके, इट एंड्स अप टू एनस. दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. व्हाट इट डज इज इट इज जितना भी अनडाइजेस्टेड मैटर रहता है वो इसके अंदर जाता है, और उसके अंदर से कुछ भी एब्जॉर्ब हो सके तो ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है. बेसिकली व्हाट इट एब्जॉर्ब्स इज वॉटर. वॉटर एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन.
सिर्फ और सिर्फ आप ये लिख लीजिए, द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर ओनली एंड रिसीव्स द अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दिस वॉज अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन. सेकेंडली, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसके अंदर भी पेरिस्टाइलिसिस लगातार चलती रहती है, और साथ ही साथ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड करता है ये एनस में, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करके, और ये एंड करता है कहां पर, एनस पर. ओके, एक चीज और, इसी के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ई कोलाई. इस चर्चिया कोलाई, स्ट्रेंज ना, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये क्या करते हैं, दे फीड ऑन द अनडाइजेस्टेड मैटर एंड गिव अस, इन लियू ऑफ दैट दे गिव अस vitamins, vitamin B12 and vitamin K. So, जो आपका bacterias है, these are the common flora, normal flora of large intestine. हर आदमी के large intestine में ये bacterias present रहते हैं. And these bacterias, what they do, they eat up the undigested matter and give us in return the vitamin B12 complex or vitamin K. So, this was all about large intestine. And let's come up to the last topic, that is anus or rectum. The anus or rectum. Anus is the part from where the food, the undigested material is excreted out of the body. और जिस तरीके से peristalsis पूरे elementary canal में चल रहा था, यहाँ पे भी peristalsis चल रहा होगा, जिसके कारण से जो undigested matter है वो pull out होगा. So this is the anus. And the last, एक चीज मैं आपको और बता दूं, this was all about your elementary canal, but there's still one organ lens, that is the appendix. Appendix. You have heard the word appendicitis, उसको appendicitis हो गया, appendix. So let me tell you what is appendix is. हमारी book के पीछे वाले पेजेस को appendix बोला जाता है. That was a complete joke. But what is appendix is? Appendix हमारे elementary canal का एक part है, and it's a vestigial organ of the body. Vestigial organs होते हैं जो कि हमारी body में present तो हैं, but उनका कोई function नहीं होता. So appendix is one of those vestigial organs of the body. What it does is, in primitive organisms, जैसे कि अभी cow हो गए वगैरह वगैरह, इनमें क्या होता है, ये appendix इफेक्टिव होता है और एंजाइम बनाता है, कौन सी, सेल्यूलेज, जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करती है. ये उन ऑर्गेनिजम्स में खासकर एक्टिव होता है जो कि लार्ज अमाउंट में प्लांट सेल्स खाते हैं, जैसे कि आपके गाय भैंस वगैरह होगी, सब ग्रास ही खाते हैं, उसमें सेल्यूलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए सेल्यूलेज. सो दिस अपेंडिक्स, व्हाट वाज इट डूइंग वाज, it was secreting cellulase, but in our body it is doing nothing except for appendicitis, and appendicitis is the inflammation of appendix. So by this we finish today's lecture, which was about the structures in elementary canal. We have a quick revision le to hame malum padta hai kis tarike se hamare elementary canal ke kya kya part hai, unke functions ka thoda sa idea, kis kis tarike se kya kya unki position hai, कहां प्रेजेंट है, कैसे दिखते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट आई विल डू इज, आई विल टेक अपॉन द एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल, किस तरीके से वो बनी हुई है, किस तरीके से उसके अंदर टिश्यूज हैं, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कितनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, कहां कहां प्रेजेंट है. सो बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, आई विल रिकमेंड यू कि आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा जरूर देख लें. ठीक है, आपने आज ये लेक्चर देख लिया, जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर देखें, सो गेट ऑन इट, आप प्लीज अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करें और एक बारी ये वाला लेक्चर दोबारा से देख लें, जिससे क्या होगा, अगले लेक्चर में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. सो फॉर देन, दिस इज डॉक्टर नवदीप मिगलानी सेइंग गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.